गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 14 गुरु महात्म प्रथमो भाग। बच्चों इसका मतलब ये है गुरु की महानता, इसका पहला भाग। ठीक है, लिसन केयरफुली। सह गुरु घनम अरण्यम प्राविशत, वह गुरु घने जंगल में प्रवेश करता है या किया। सूर्या तपह तीक्ष्ण आसीत, सूरज की गर्मी बहुत तेज थी। भूमि शिलाखंडादयः च अत्युष्णताम गता आसन, भूमि या धरती पर जो पत्थर के टुकड़े थे वो बहुत तप रहे थे। सस्य वृक्षादयः दग्धप्रायः सर्वत्र मौनम्, क्रोशमिति दूरे अपि मानव संचारः न दृश्यते, जीव संचारः एव नास्ति। बहुत दूर दूर तक हरे भरे कोई पेड़ पौधे नहीं थे, बहुत मौन मतलब शांति दिखाई दे रही थी, ना ही कोई मनुष्य दिखाई दे रहा था और ना ही कोई भी प्राणी, कहीं भी दूर दूर तक जीवन का संचार नहीं दिखाई दे रहा था। अनंतरम किम जातम अम्ब, इसके पश्चात क्या हुआ। माँ प्रश्नम मया, मतलब माँ से पूछता है बच्चा इसके पश्चात क्या हुआ। गुरु अग्रे गच्छन आसीत, गुरु आगे जा रहे थे। गंभीर चिंतने मग्ना आसीत स, वह गंभीर चिंता में मगन थे। तस्य शिष्य नितराम पिपासार्दिता सन जलम अपृच्छत, वो उनका शिष्य बहुत प्यासा था पानी के लिए, उसने पूछा। तस्मिन् स्थले कुतः वह जलम प्यापेत, अतः गुरु अवदत, उस जगह पर पानी कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए गुरु बोले बस किंचित निरीक्षताम, बेटा थोड़ा सा देखो। किंचित समयांतरे वयम कंचन ग्रामम प्राप्नुयामः, थोड़े समय बाद हम लोग किसी गांव में पहुंच जाएंगे। तथा यथेष्टम जलम पातुम आहार्तवान इति, वहां पर जितना तुम्हें पानी चाहिए मिल जाएगा। किंतु शिष्य किमपि श्रोतुम सिद्धम न आसीत, किंतु शिष्य कभी सुन नहीं पाते थे, यानी सुनना ही नहीं चाहते थे। तम असहनीय पिपासा बांधते स्म, और उन्हें बहुत ज़्यादा असहनीय प्यास पीड़ित कर रही थी। गुरु पुनः सावधानीन अवदत, वह पुनः दोबारा जो है सावधानी पूर्वक फिर बोलते हैं चुप होकर के, अत्र तु जलम न लभ्येते, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो पानी नहीं प्राप्त होगा। भगवती विश्वस्य तिष्ठतु तावत इद, भगवान पर यकीन करो आगे, मतलब भगवान पर विश्वास रखो आगे पानी मिलेगा। शिष्य तत्र उपाविशत, शिष्य वहीं बैठ गए। अग्रे चलने निराकृतम तेन, और उन्होंने आगे चलने से मना कर दिया। शिष्य से एतम दुराग्रह से भाव दृष्टवतः गुरु हाशा आगता, शिष्य के ऐसे जिद्दी स्वभाव के कारण गुरु को निराशा हुई। सह तत्रैव ध्यान मग्न जाता, वह फिर से ध्यान में मग्न हो गए। यदा सह नेत्रम उन्मीलिवान तदा तस्य पुरतः खिद्यमाना शिष्य दृष्टा, जब उन्होंने अपने नेत्रों को खोला तब उन्होंने अपने सामने फिर उसी जिद्दी बच्चे को पाया। गुरु हसन अवदत, गुरु हसन बोले वत्स एतस्य शिखरस्य उपरि काचन कुटी अस्ति, बेटा इस चोटी के ऊपर कोई कुटी है। तत्र च यवन सन्यासी कश्चित निवसति, वहाँ पर कोई फकीर सन्यासी रहता है। तत्र गत्वा श्रावान्तं जलं प्रार्थयतु, वहाँ पर जाकर के तुम पानी के लिए विनय करो। अस्मिन् प्रदेशे तस्य एव कूपे जलं भवति, इस प्रदेश में तो उसी कुएं पर तुम्हें पानी मिलेगा या प्राप्त होता है। अनंतरं किं जातम् अम्ब, इसके पश्चात क्या हुआ। शिष्येण पातुम जलम प्राप्तम उत न इति ज्ञातुम उत्सुका अहम सुकुतुलहम अप्रच्छम, उसके पश्चात पूछा कि शिष्य फिर पानी के लिए उठा कि नहीं, वो पानी के लिए जाने के लिए तैयार हुआ कि नहीं, उसने कौतूहल के साथ पूछा बेटे ने। जलस नाम श्रवण समनंतरम एव शिष्य शिखरस्य आरोहणम आरब्धवान, पानी का नाम सुनते ही शिष्य चोटी पर चढ़ना शुरू कर देता है। मध्यान्ह समय तस्मिन् महति आतपे नितराम पिपासा पीड़िता सह महता कष्टेन शिखरम आरोह्य ताम कुटीम प्राप्य यमन सन्यासिनी नमस्कृत जलम प्रार्थितवान, यमन सन्यासी कूपम अदर्शयत। दोपहर के समय उस भयानक गर्मी के कारण लगातार प्यास से पीड़ित वह कठिनाई से चढ़ता हुआ उस झोपड़ी में रहने वाले फकीर से नमस्कार करके जल मांगता है। यदा शिष्य कूप समीपम आगच्छत तदा सन्यासी मनसि कश्चन विचारः आगतः, जब शिष्य कुएं के पास आया तो सन्यासी के मन में कोई विचार आया।
सह शिष्य अपृच्छत। उसने शिष्य से पूछा, भगवान कुतः आगत इति, तुम कहाँ से आए हो? शिष्य अवदत्। शिष्य बोला, अहम तो महागुरु सहवर्ती अस्मि इति, मैं तो अपने गुरु के साथ आया हूँ, महान गुरु के साथ। गुरु इत्यस्य शब्दस्य श्रवणात् एव यमन सन्यासी क्रुद्धः जातः। गुरु शब्द को सुनकर फकीर नाराज हो उठा। वह शिष्य से गुस्से में कहता है, स शिष्यम कोपेन आज्ञापितवान। वह शिष्य से गुस्से में कहता है, इतः निर्गम्यताम इति, यहाँ से निकल जाओ। नित्राम श्रांत शिष्य आधा गुरु समीपम आगत्य प्रवत्त सर्वम विवृतवान। अत्यंत शांत शिष्य नीचे गुरु के पास आकर बैठ गया, सारी बात बताता है। गुरु अवदत्। गुरु बोले, भगवान पुनः प्रतिगत विनयन, आप दोबारा वहां जाकर विनय करिए। अहम अन्य से यवन सन्यासिनी सहवर्ती अस्मि अति निवेदयति, मैं दूसरे फकीर के साथ आया हूँ, ऐसा निवेदन करिए। शिष्य आत्मना दु स्थिति सपन पुनः शिखरम आरूढ़वान। शिष्य दुखी मन से दोबारा शिखर पर चढ़ता है, किंतु अधुना अपि सह यवन सन्यासी तिरस्कृत जाता, लेकिन इस बार भी वह फकीर अपमानित करता है इदानीं तो शिष्य से स्थिति परम शोचनीय जाता। इस बार तो शिष्य की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई। तस्य जीवनेच्छा एव लुप्ता जाता एव, उसकी जीवन की इच्छा लुप्त होती हो गई। गुरु तस्य पूर्ण कथाम अश्रणोत्, गुरु ने उसकी पूरी कथा सुनी। देवेच्छा अनुसार भवतु, जैसी देव की इच्छा ऐसा कहा। उक्त्वा शिष्य पुनः यवन सन्यासिनी समीप गंतुम आदिष्टवान, ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा फकीर के पास जाने को आदेश दिया। तृतीयम वारम शिखरम आरूढ़ शिष्येण, वो शिष्य तीसरी बार चोटी पर चढ़ा। सह यवन सन्यासिनी पादो गृहीत्वा कांस्य जलन विदून प्रार्थयत, उसने फकीर के पैरों को पकड़कर जल के लिए प्रार्थना की, किंतु यवन सन्यासी शिष्य से निवेदनम निराकृत उपहास में सितेन ध्वनिना उक्तवान। लेकिन फकीर ने शिष्य के निवेदन को ठुकरा कर उपहार मिश्रित आवाज में बोला, भवता गुरु यदि महिमान स्यात् तहिर किम सह हस्तपूर्ण जलम दातुम न शक्नुयाम इति, उन्होंने कहा कि यदि आपके गुरु इतने महान है तो क्या आप अपने हाथ से जल क्यों नहीं दे देते हैं। शिष्य शिखरात अवतीर गुरु पद तले श्रांत अपतत एव, शिष्य शिखर से उतर कर गुरु के पैरों के पास शांति से बैठ गया। गुरु तम प्रीत्या सम स्पर्श अवदत, गुरु से प्रेम से स्पर्श करके बोले, पुरतः विद्यमान ईर्षा शिलाखंड अपसारितामिद, सामने इस पत्थर को हटाओ। शिष्य तथा वक्रो, शिष्य ने वैसा ही किया। अहो तत्र दृष्टा जलोद्गमा, जल के उद्गम का स्थान था वह। निमेशाश्रय अंतरे परिता सर्वत्र जल समृद्धि, कुछ ही पलों में चारों ओर जल हो गया। अत्रांतरे यवन सन्यासी जल पातुम इच्छन स्वस्य कूपम समीपम अगच्छत, इसके पश्चात वह यवन सन्यासी जो ऊपर शिखर पर था अपने को पानी पीने की इच्छा से कुएं के पास ले जाता है, किंतु तदीय कूप शुष्क जाता आसीत, लेकिन उसका कुआं सूख जाता है। सह अधा अपश्यत, वह नीचे देखता है, जल प्रवाह दृष्ट तत्र, जल का प्रवाह नीचे दिखाई दे रहा था। वृक्ष से अधा उपदृष्टो गुरु शिष्यो तेन दृष्टो, वृक्ष के नीचे गुरु शिष्य दोनों बैठ करके उसे देख रहे थे। स माता कोपेन स्वस्य पुरतः विद्यमान स्थूलोपलम बलेन नुत्तवान, आधा रवसेन पतंतम स्थूलोपलम दृष्टवान, शिष्य भवेन भयेन विहरा जाता। निर्विचल गुरु देवम प्रार्थयन उपविष्टवान, यदा स्थूलोपल समीपम आगता तदा सह स्वहस्तम प्रचारकर तलेन तस्य चलनम निरुद्धवान। अद्यापि तस्य स्थूलोपल से उपरि गुरु करतल से स्पष्ट चित्रण दृश्यते, तस्मिन् स्थले इदानीं गुरु देवालय निर्मितः अस्ति, आज भी उस भारी पत्थर के ऊपर गुरु के हाथों के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं। उस जगह पर जहाँ पर उसी जगह पर गुरु का मंदिर निर्मित है और मंदिर के चारों ओर देवालय परितः नगरम प्रबद्धम अस्ति, मंदिर के चारों ओर नगर है, समीपे धूम सकट स्थानम अभिवर्तते, और पास ही में क्या है कि रेलवे स्टेशन है। इसे नाम प्रसिद्ध अस्ति कर पवित्र करतलम अति, उसका नाम पवित्र करतल है। वो 1976 वर्षे भारत सरकार से योजना संन्यासन योजना न्यासस्य उपदिष्ट स्थानात निवृत्ति प्राप्तवान, तथा पूर्वम 1966 तम तह 1973 पर्यंत
स व्यासनल बुक ट्रस्ट इति तस्या संस्थाया निदेशकत्वेन कार्यम अकरोत्। स बहुभाषा विशारद अस्ति। पंजाबी, उर्दू, हिंदी, आंग्ल भाषादिषु भाषासु सार्धैक शताधिकानि पुस्तकानि लिखितवान् अस्ति। स राज्यसभा सदस्यत्वेन अपि कार्यम अकरोत्। 2007 तमस्य वर्षस्य साहित्य अकादमी पुरस्कार भाग अपि अस्ति। पूर्व 1988 तमे वर्षे तेन पद्मभूषणम् इत्येषा उपाधिः प्राप्तः आसीत्। सन 1976 में भारत सरकार की योजना के अनुसार मतलब उन्हें क्या किया गया कि सन 1966 और 1973 में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ की तरफ से निर्देश करते हैं कार्य, उन्होंने उसके निर्देश के अनुसार कार्य किया। उन्हें बहुत भाषा का ज्ञान था। पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं इन भाषाओं में। उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। सन 2007 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया उन्हें। उसके पहले सन 1988 में पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया उन गुरु को। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसको सुन लीजिएगा 2-3 बार, जिससे आपको ये याद हो जाए।